की एक स्त्री की, कृष्णा गौतमी नाम की स्त्री जो उस समय श्रावस्ती में ही रहा करती थी, जो एक बहुत ही धनवान सेठ की बहू थी, लेकिन उसके संतान ना होने के कारण उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। जिस समय कृष्णा गौतमी नारी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उस समय वो गर्भ धारण कर चुकी होती है। अंत में एक पुत्र का जन्म होता है, पुत्र कुछ सयाना हो जाता है, उसके बाद सर्प के डसने से पुत्र की मृत्यु हो जाती है। वो कृष्णा गौतमी नाम की स्त्री भगवान बुद्ध के पास पहुंचती और विनती करती कि मेरे बेटा को जीवित कर दो माताओं बहनों, और ये भी कहती है कि भगवान अगर आप मेरे बेटा को जीवित नहीं करोगे तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगी। तो देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध ने उस कृष्णा गौतमी नारी को ज्ञान दिया और समझाया। भैया दो कुर्सी यहाँ पे पहुंचा दीजिएगा। माताओं बहनों ध्यान दीजिएगा कि श्रावस्ती जिले में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करते हैं। उन सेठ की एक बहुत सुंदर बहू है जिसका नाम है कृष्णा गौतमी। सेठ सेठानी दिन रात एक बात पर विचार किया करते हैं, और वो बात है ये माताओं बहनों कि सेठ की बहू कृष्णा गौतमी को घर में आए हुए कई बरस बीत चुके हैं, लेकिन उस बहू के द्वारा कोई संतान जन्म नहीं लेती। सेठ सेठानी अपने महलों में बैठे हैं और किस प्रकार से विचार कर रहे हैं भैया कि एक दीना Thank you.
अपने महलों में बैठे हैं। माताओं बहनों, आज सेठ और सेठानी आपस में बातचीत कर रहे हैं। सेठ जी कहने लगे, सेठानी जी का बोलो महलों के क्या समाचार है? तुम का करे महल के जो है जैसे समाचार हुए। सेठानी जी का हम जानना चाहते हैं कि महलों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है घर में? तुमका तो पता नहीं कौन दिक्कत है। सेठानी कहने लगी, सेठ जी एक समस्या दिन रात मुझे सताती रहती है कि अपनी जो बहू है वर्षा गौतमी, उसको घर में आए हुए न जाने कितने वर्ष बीत गए, लेकिन अपनी बहू से अभी तक कोई संतान नहीं जन्मी। सेठ जी आपको पता है, अगर अपनी बहू के द्वारा कोई संतान नहीं हुई तो फिर जो अपना ये अपार धन संपत्ति है इसका मालिक कौन बनेगा? आज सेठानी सेठ जी को समझा के बोली, सुनो सेठ जी, सुना कि जिन घर थे नहीं ना लगन, कहा गया कि जिन घर बातचीत कर रहे हैं। सेठ जी कहने लगे, अरे सेठानी जी, अगर अपनी बहू वर्षा गौतमी से कोई संतान नहीं हुई तो इसमें बहू का क्या दोष है? अच्छा, सेठानी कहने लगी, सेठ जी विचार मेरे दिमाग में, मेरे मन में एक विचार आ रहा है, मैं तो यह चाहती हूँ कि हम अपने बेटे का दूसरा विवाह कर। सेठ जी इस बहू को घर से बाहर निकाल देते हैं और अपने बेटे का दूसरा विवाह कर लेते हैं। प्यारे बंधु, सेठानी ने क्या किया है, आवाज लगाई है और कृषा बहू को अपने पास में बुलाया। बहू कृषा, जैसे
जैसे ही अपनी सासु माँ की आवाज सुनी कि नहीं पल की देर कृष्णा गौतमी जाकर के अपने सास ससुर के पास पहुंच गई। जैसे ही सासू माँ को सर झुकाया वो उठ के दूर खड़ी हो गई, ससुर जी के चरणों में सर झुकाया। सेठ जी आशीर्वाद दे रहे, कहे रहन तुमसे सही सही बोले हो ना। सेठ जी हमें इस बहू की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर ये कोई संतान को जन्म नहीं दे सकती, अगर ये किसी पुत्र पुत्री को जन्म नहीं दे सकती तो हम ऐसी बहू को करेंगे क्या? हम इस बहू को घर से निकाल देंगे, अपने बेटे का दूसरा विवाह कर। आज कृष्णा कहने लगी, मैया अरे इतना क्यों गुस्सा कर रही हो माँ? अगर मेरे कोई संतान नहीं है तो इसमें मेरा क्या दोष है माँ? तुम्हारा दोष नहीं तो का हमारा दोष है। आज कृष्णा रोने लगी, बोली माँ ऐसी बातें ना करो, अरे मेरे द्वारा अब तक कोई संतान जन्म ना ले सकी, इसके लिए मुझको भी भारी दुख है। सेठानी कहने लगी, देखो कृष्णा मैं ज्यादा दिन और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुम ऐसा करो ये मेरा घर छोड़ करके निकल जाओ, हम अपने बेटे का दूसरा विवाह कर लेंगे, जाओ निकल जाओ घर छोड़ करके। कृष्णा रोने लगी, बोली नहीं मैया ऐसा मत करो, पिताजी आप ही कुछ समझाइए मैया को। आज मेरे भैया सेठानी बोल पड़ी, सुनो कृष्णा इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। कृष्णा रो रही है, विनती कर रही है, लेकिन फिर भी सासु माँ क्या करती है, कहा भी गया मेरे भैया कि विपत्ति में विपत्ति विपत्ति में है विपदा और विपदा और विपदा पड़ी गई उम्र जन्म तो तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाओ।
देसी बहु गुस्सा रोती रही बिलकती रही, लेकिन सेठानी ने क्या किया है भैया, को घर से निकाल दिया गया, दरवाजे को बंद कर लिया सेठानी ने। इधर कृष्णा गौतमी बेचारी रोती बिलकती हुई आगे बढ़ जाती है। भारी विलाप करती है, भारी विनती करती है, लेकिन एक बात नहीं सुनी जाती है। रोती है कृष्णा कि हे विधाता, मेरा बस इतना ही दोष है कि मैं किसी संतान को जन्म नहीं दे सकी, मेरा बस इतना ही दोष है कि मेरे द्वारा कोई औलाद जन्म ना ले सकी, इसीलिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। रोती है कृष्णा, पलकती है कैसे, माताओं बहनों।
वृषा गौतमी भारी विलाप करते हुए रोते हुए आगे बढ़ जाती है। खेतों के किनारे जाकर के कुछ गरीब लोग जहां पर झोपड़ी डाल करके रहा करते थे, उन्हीं लोगों के बीच में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है और वहीं पर रहने लगती है। लेकिन एक बात ध्यान रहे माताओं बहनों, जिस समय वृषा गौतमी घर से निकाली गई उस समय वो गर्भ धारण कर चुकी थी। ये सच्चाई वृषा को भी नहीं पता होती। जब वो घर से बाहर निकाल दी गई तब उसे पता चलता है कि वो तो मां बनने वाली है। वृषा की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन वृषा गौतमी वापस महल में नहीं जाती है, वहीं पर अपना जीवन बिताने लगती है। याद रहे जिस समय वृषा गौतमी घर से निकाली गई वो गर्भ धारण कर चुकी थी। अपना समय वृषा बिताने लगी उन्हीं झोपड़ियों में रह करके। एक महीना बीता, दो महीना बीता, तीन महीना बीता, धीरे धीरे माताओं बहनों 9 महीने पूर्ण हो जाते हैं। वृषा गौतमी को गर्भ धारण किए हुए 9 महीने पूर्ण हो गए। वो उन्हीं झोपड़ियों में रह के अपना समय बिता रही है। और जब गर्भ पूरा हुआ वृषा गौतमी का माताओं बहनों, तो उसने एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बोलिए भगवान बुद्ध की। जब समय पूरा हुआ गर्भ का तो वृषा गौतमी ने एक बड़े ही सुंदर बालक को जन्म दिया, पुत्र को जन्म दिया। अब जब पुत्र का जन्म हुआ तो वृषा गौतमी सोचती है कि मेरे सारे संकट कट जाएंगे, मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जब ये मेरा बेटा बड़ा होगा तो सारे दुख सारे कष्ट मेरे दूर हो जाएंगे। वृषा गौतमी अपने घर में अपनी झोपड़ी में बैठी हुई है, बालक को गोदी में लिए है और किस प्रकार से विचार कर रही है माताओं बहनों ध्यान देना। कि टूटी झोपड़िया गरीबी के हाल लाल पैदा हुए, लाल पैदा हुए। Thank you.
बिरसा मैया बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है और अपने बच्चे के पालन पोषण में लग जाती है। अपने बच्चे के पालन पोषण में लग जाती है कृष्णा मैया। विचार करती है कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा मेरे सारे संकट कट जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। धीरे धीरे समय बीतने लगता है माताओं बहनों, कृष्णा मैया अपने बच्चे के पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ती। धीरे धीरे बेटा कुछ सयाना हो जाता है, मैया कृष्णा सोचती है किस प्रकार से अपने द्वार पर मैया कृष्णा अपने पुत्र के साथ में है और किस प्रकार से विचार कर रही है मैया। सोच रही है क्या हम ले भवरिया डारी की हंसी हंसी जीवन कटे से बोलिए भगवान बुद्ध की।